एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नौकरी के लिए भटक रही शहीद की विधवा, प्रधानमंत्री को खत लिख सुनाया दर्द। सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान सीताराम उपाध्याय की विधवा रश्मि कुमारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। पति के शहीद होने के एक साल बाद तक उन्हें अनुकंपा पर मिलने वाली नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसद से कहा 2024 की तैयारी शुरू कर दो, इस बार अपने बूते जीतना। बीजेपी सांसदों के दो दिन के अभ्यास वर्ग का समापन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे साफ कहा कि वह अभी से 2024 की तैयारी शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि ऐसी तैयारी और काम करो कि तब अपने बूते जीत कर आना, यह मत सोच रहा कि मोदी के नाम पर जीत जाएंगे। जब मन से बोले नीतीश कुमार, पीएम मोदी ने खारिज कर दी मेरी मांग। नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इसी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग प्रधानमंत्री के सामने रखी थी, लेकिन तब उनकी मांगों को खारिज कर दिया गया था। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।